4/24 के बाद चलिए अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिन भर देश में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया गया, साथ ही पाकिस्तान का मूवमेंट क्या कुछ रहा और विदेश में भारत को लेकर क्या क्या बातें हुई, तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तो दरअसल भारत की कल की कार्रवाई के बाद जो कुछ भी आज दिन भर हुआ है वो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कई जगह पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उधर दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं आज की, शोपिया में जैश के आतंकियों से मुठभेड़ हुई और इसमें 2 आतंकी मार गिरा दिए गए, यानी कि एक अहम और कामयाबी हाथ लगी है सुरक्षा बलों को। तीसरा बड़ा घटनाक्रम जो कुछ आज रहा वो आपको बताते हैं। तो तीसरा ये कि रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ आज बैठक की और इसको लेकर रणनीति तैयार की गई, मंथन किया गया। जबकि अगर चौथी खबर की हम बात करें जो कि चीन में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उठाया है पुलवामा का मुद्दा और इसको लेकर चीन का भी साथ मांगा गया है और चीन भी अब साथ आ रहा है और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान से ये कहा गया है कि कड़ी कार्रवाई की जाए। पांचवी बड़ी खबर, भारतीय सीमा में 3 किलोमीटर तक पाक जेट घुसे थे, हालांकि यहां पर भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाक जेट वापस जाते हुए भारतीय सीमा में कुछ बम गिरा कर गया और लगातार जो है भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब देती रही। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एक F-16 विमान मार गिराया गया, तो इसे भी एक बड़ा बदला के तौर पर माना जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। उधर जम्मू कश्मीर के बडगाम में MI-17 चॉपर के क्रैश की खबर आई और इसमें 2 शव बरामद किए गए हैं। उधर एक और अहम खबर आपको बताते हैं जो कि आज दिनभर सुर्खियों में छाई रही, सुरक्षा कारणों से सरकार ने देश में कई एयरपोर्ट बंद कर दिए, हालांकि बाद में जो उड़ानें कैंसिल की गई थी उनको दोबारा से शुरू किया गया और जो लोग परेशान हो रहे थे उनको कम से कम थोड़ी राहत मिली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गृह मंत्रालय में टॉप लेवल बैठक की और आपको बता दें कि बड़े लेवल के जो अधिकारी थे इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे कि इसको लेकर कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है और उसके लिए कितनी तैयार है हमारी सेनाएं। उधर सेना को तैयार रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और इसको लेकर अलर्ट मोड पर सब कुछ नजर आ रहा है देश भर में। इसके अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी कहा है कि हम भी कर सकते हैं यूएस जैसी कार्रवाई। एक बड़ा बयान वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से आया है कि जब लादेन को घुसकर अमेरिका मार सकता है अहमदाबाद में, तो हम ये ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को भारत ने सौंपा है डोजियर, बार बार पाकिस्तान की तरफ से मांग की जाती रही है कि सबूत दे भारत हमें, तो वो सबूतों का जो पिटारा है वो सौंप दिया गया है भारत की तरफ से पाकिस्तान। भारत ने पुलवामा हमले के दिए सबूत और हमले में जैश का हाथ होने के भी सबूत सौंपे गए हैं एक डोजियर के जरिए। तो जैश ए मोहम्मद का जो हाथ बताया जा रहा था पुलवामा अटैक में, उसको लेकर सबूत दिए गए हैं पाकिस्तान को। उधर भारत ने पायलट को सुरक्षित लौटाने की मांग भी की है। जो एक डोजियर सौंपा गया है उसमें कई तरीके के खासतौर पर 3 पॉइंट्स शामिल हैं और जिसमें ये कहा गया है कि पायलट को सुरक्षित वापस भेजा जाए और इसके अलावा जिस तरीके से आतंकवाद को पनाह दे रहा है पाकिस्तान उसको बंद करे और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।